Dear students, Assalamu Alaikum and welcome to your social science class. How are you, dear students? Hope you are doing well. Alright, dear students, our today's topic is India Climate, Vegetation and Wildlife. This is the chapter number 7 of your textbook. And first of all, we will read about the climate. Well, dear friends, you read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather. You must know that weather is about day to day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall, and sunshine, etc. For example, as such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot, continued for several days, you don't need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there are days together you feel cold without woollen clothes, and it is very windy and chilly. You would like to have something hot to eat, isn't it? Yes, very bacho apne newspapers on a daily basis या टीवी पे पर देखते होंगे या लोगों को सुनते होंगे आपस में बातें करते हुए वेदर के बारे में मौसम के बारे में कि आज कैसा वेदर है कल कैसा वेदर होगा प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वेदर जो है इट इज़ अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमोसफियर ये वेदर जो होता है ये हमारे इस एटमोसफियर uh, में जो डे टू डे बेसिस पे चेंजेस होती हैं तब्दीलियाँ होती हैं रोज़मर तब्दीलियाँ होती हैं उनके बेसिस पे uh, जो मौसम बनता है जो सिचुएशन बनती है उसको हम वेदर कहते हैं ठीक इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर रेनफॉल एंड सनशाइन एट्सेट्रा जो वेदर होता है इसमें जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर तो इसमें रेनफॉल होती है टेम्परेचर होता है सनशाइन होता है वगैरह वगैरह ठीक है हम ये मालूम करते हैं या ये देखते हैं कि भाई क्या कल मतला साफ होगा या बारिश होगी रेनफॉल होगा कि नहीं होगा सनशाइन होगा या क्लाउडी होगा या टेम्परेचर कितना होगा गर्मी कितनी होगी तो ये सब चीज़ें जो मिला के रोज़ बरोज़ रोज़ जो हम इनको देखते हैं इन तब्दीलियों को तो इसको हम वेदर कहते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ सच एज़ इट मे बी हॉट देखिए अब एक दूसरा ये इसका फिनमिनन है आ, कभी ये ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है या ऐसा भी होता है कि बहुत दिनों तक ठंडा या रेनी सीजन होता है ठीक है यू मस्ट हैव दैट इट इज़ हॉट कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग जब गर्मी होती है बहुत दिनों तक तो आप फील करते हैं गर्मी तो आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत ऐसे में नहीं होती है तो यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स तो इस मौसम में आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक है या आपको ऐसी चीज़ें चाहिए मन चाहता है और ऐसी चीज़ें आप लेते हैं या खाते हैं जो सर्दी जो सर्द होती है ठंडी होती हैं इनको आप पसंद करते हैं

की ज़रूरत को महसूस करते हैं आप गर्म कपड़े पहनते हैं और इसके साथ साथ यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट और आप कुछ ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो गर्मी आपको फराहम करें जो आपको हीट दे दें एनर्जी दे और हीट दे दें ठीक है तो आप ऐसे में कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ नहीं करते बल्कि वो चीज़ें खाते हैं जो कि गर्म होती है तो ये फिन जो होता है ये दो कस्म की चीजें होती हैं एक डेली बेसिस पे चेंज होती हैं तो एक ये होता है कि ये बहुत दिनों तक एक जैसा मौसम रहता है तो ये जो डेली बेसिस पे जो चेंजेस होती हैं इसको हम वेदर कहते हैं तो जो बहुत दिनों तक एक जैसा ये मौसम रहता है इसको हम क्लाइमेट कहते हैं ठीक है ब्रॉडली द मेजर सीजनस रिकागनाइज In India or number one, cold weather season or winter, it is from December to February. Number two, hot weather season or summer, that is from March to May. Number three, south moon, southwest monsoon season or rainy season, which is from June to September, and number four, season of retreating monsoon that is autumn. which uh, starts from October and remains till November. तो ये चार सीज़न होते हैं इंडिया में जो मेजरली ब्रॉडली हमने इसको रिकोगनाइज़ किया है कि इंडिया में आमतौर पर साल में चार मौसम होते हैं विंटर समर रेनी सीजन uh, या मानसून सीज़न जिसको कहते हैं और ऑटम ठीक है तो जो विंटर होता है ये दिसंबर से फ़रवरी तक होता है ये कोल्ड सीजन होता है इसके बाद हॉट वेदर सीजन होता है जिसको हम समर कहते हैं ये मे से मार्च तक होता है इसके बाद साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन होता है जो जून से सितंबर तक होता है उसके बाद सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून होता है जिसको हम ऑटम भी कहते हैं ये अक्टूबर से अक्टूबर uh, और नवंबर में रहता है ठीक है तो ये चार सीजन जो होते हैं इंडिया में तो इनके बारे में हम अलग अलग ये डिटेल्स में पढ़ते पहले हम देखते हैं ये जो कोल्ड वेदर होता है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन कूल ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इस सीजन में नॉर्थ से साउथ की तरफ ठंडी हवाएं चलती हैं जो खुश्क होती हैं ठंडी और खुश हवाएं दीज कूल एंड ड्राई विंडोज विंड्स सॉरी कूल एंड ड्राई विंड्स बिलो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये नॉर्थ से साउथ की तरफ सर्द और खुश हवाएं चलती हैं विंटर सीजन में द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन तो इस मौसम में जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली इस रीजन पे नहीं पड़ती बल्कि तिरछी छाए पड़ती हैं द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया और इस सीजन में जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें टेम्परेचर बहुत कम रहता है ठीक क्वाइट लो ये कम टेम्परेचर रहता है नॉर्दर्न इंडिया में ये विंटर सीजन में ठीक है इसके बाद हॉट सीजन होता है हॉट वेदर सीजन और समर इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर आर लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन तो इस हॉट समर में ये जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली नॉर्थ इंडिया रीजन जो है इसमें पड़ती है टेम्परेचर्स बिकम वेरी हाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे तो इस सीज़न में ये जो समर सीज़न होता है इसमें गर्म हवाएं चलती हैं जो बहुत गर्म होती हैं और खुश्क होती हैं इनको हम लू कहते हैं ये दिन के वक़्त चलती हैं और इनसे जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते इनको तो बहुत सी जो जाने भी इससे जाया हो जाती है तो ये हॉट वेदर सीज़न होता है जिसको हम समर कहते हैं तो ये आज समर और विंटर के बारे में बताया ये बाकी जो है आ, रेनी सीजन और ऑटम इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आज हम यहाँ ही इसको कंक्लूड करते हैं थैंक यू वेरी मच टेक केयर एंड गुड बाय